हेमराज जी आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। ओके दैट्स गुड। नाउ वी हैव हेमराज जी, ब्रजेंद्र जी। आई थिंक कि आप में से एक लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। सुरेंद्र। नाउ इट्स 7:30। इज इट 7:30? नेहा। प्रज्ञा। लालसा। ठीक है, नाउ आई थिंक कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट, आई हैव टू रिकॉर्ड द सेशन। और इट्स टाइम। या सो टुडे व्हाट आई हैव, टुडे आई हैव अ ब्यूटीफुल शीट दैट्स रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द नावल। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा को लेके बात किए हैं। आज हम जो बात करेंगे वो जो है नावल को लेके बात करेंगे। आज हम क्वेश्चन पैटर्न पे ना आकर के, बल्कि एक पूरा पॉइंट मैंने लाया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ द नावल में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, उसको लेकर के हम आज बात करेंगे। तो जस्ट शेयरिंग विद यू PDF फाइल। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। आई थिंक इट्स विजिबल। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? या सो यू फाइंड दैट कि टुडे आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाट? टुडे आई हैव टू टॉक अ नॉवेल दैट इज ओरिजिन ऑफ द नॉवेल। आज हमें जो बात करनी है वो ओरिजिन ऑफ द नॉवेल को लेकर के बात करनी है। और इसमें से एक शीट है, उस शीट पर जिसमें आप ये देख रहे हैं कि उस शीट में जो पॉइंट्स रखा गया, वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू नॉवेल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उन सब चीजों को लेकर के बात करना है। तो यू हियर सी या यू हियर फाइंड कि जो पहला पॉइंट है, द वर्ड नावेल केम फ्रॉम इटालियन वर्ड नावेला। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो वर्ड नावेल है ये कहाँ से आया है? ये आया है इटालियन वर्ड नावेला से। एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, इफ एनी वन आस्क कि द वर्ड नावेल केम, द वर्ड नावेल केम फ्रॉम इटालियन वर्ड नावेला है। जो नावेल वर्ड है यह इटालियन वर्ड नावेला से आया है। इट मीन्स थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड आर लिटिल न्यू थिंग। जो लैटिन वर्ड है या इटालियन वर्ड है, लैटिन भाषा से जो नावेला आया, इट का नाम है, यहाँ पे भाषा है तो क्या कहा जाता है, वहां पे बोली जाने वाली भाषा को हम नावेला मीन्स लैटिन कहते हैं। तो जो नावेला है यह एक लैटिन वर्ड है और यह इटालियन वर्ड नावेला से आया है। इट मीन्स थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ये चीज अभी हाल ही में इसका ओरिजिन हुआ। इट मीन्स थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड। थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड का मतलब ये कि नावेल जो है और जो लिटरेचर के फॉर्म्स है, एज यू सी ड्रामा, एज यू सी पोइट्री या एज यू सी प्रोज, ये सब बहुत पहले आया है, उसके बाद जाकर के क्या आया हुआ, उसके बाद जाकर के नावेल आया हुआ। तो द वर्ड नावेल केम फ्रॉम इटालियन वर्ड नावेला विच मीन्स थिंग्स रिसेंटली ऑरिजिनेटेड आर लिटिल न्यू थिंग, या छोटी सी चीज आर लिटिल न्यू थिंग। तो जो पहला पॉइंट है, उस पहले पॉइंट में तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। नावेल वर्ड कहाँ से आया? नावेल वर्ड इटालियन वर्ड नावेला से आया, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका वर्ड मतलब होता है थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड। इट मीन्स दैट कि नावेल ही एक ऐसा लिटरी फॉर्म है जिसकी उत्पत्ति अभी हाल ही में हुई है, ये जो चीज है। दूसरा चीज कि जो नावेल है, अगर आप नावेल को देखेंगे तो नावेल कई चीजों को लेकर के यहाँ बात करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कि द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर द नावेल, नावेल के लिए जो सबसे पॉपुलर वर्ड है
इन यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज में वो क्या है? रोमन। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। नावल के लिए पूरे यूरोप में जो वर्ड यूज किया जाता है वह रोमन है। इटली में जो वर्ड यूज किया जाता है वह नावेला है। तो द मोस्ट पॉपुलर वर्ड, द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर द नावल इन यूरोपियन लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस इज व्हाट? इट्स रोमन, एंड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेडिवल टर्म रोमांस। जो कहाँ से आया है? मेडिवल टर्म रोमांस से आया है। तो रोमन एंड रोमांस, ये एक चीज ध्यान में रखना है कि जो रोमन शब्द है यह एक फ्रेंच वर्ड है और जो नावेला है वह इटालियन वर्ड है। ये सब आप खुद से नोट करते चलिएगा। अगर हम इतना आपको बता रहे हैं स्लोली और ग्रेजुअली, यू हैव टू पुट पेन, यू हैव टू पुट योर नोटबुक एंड देन नोट डाउन। और नोटिंग में आपको क्या करना है कि जो वर्ड आपका रोमन है यह मेडिवल वर्ड रोमान से आया हुआ, किससे आया हुआ है? मेडिवल वर्ड रोमान से आया हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप रोमन रोमांस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक फ्रेंच वर्ड है। रोमन इज अ फ्रेंच वर्ड। और पूरे यूरोप में नावेल को लोग नावेला के नाम से कम जानते थे, रोमन के नाम से ज्यादा जानते थे। लोग उसको नावेला के नाम से कम जानते थे और रोमन के नाम से ज्यादा जानते थे। तो अगर कभी पूछा जाता है कि जो रोमन वर्ड है ये कहाँ से, तो रोमन इज अ फ्रेंच वर्ड और यह मेडिवल टर्म रोमांस को रिफर करता है और इट रिफर्स टू सम सीरियस एंड सम It refers to some serious and some scandalous stories. कह रहे कि जो रोमन शब्द है यह कुछ सीरियस और कुछ स्कैंडलस स्टोरीज को लिया आया था। स्कैंडलस का मतलब होता है स्कैंडलिंग और मांगरिंग, कि किसी पर्सन के बारे में कोई गलत अफवाह फैलाना या उसकी कैरेक्टर को खराब करने के लिए जो है इस तरह की चीजों को, ऐसी स्टोरीज का निर्माण करना जो कि इमेजिनेटिव हो, जो अफवाहों पर आधारित हो, जो हकीकत की ग्राउंड पे ना हो, तो दैट इज स्कैंडलिंग स्टोरीज। और उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बोकैसियोस डीके मीरान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोकैसियोस डीके मीरान, इसमें ये पूछा गया था कि जो रोमांस से रिलेटेड जो स्टोरीज सबसे पहले दुनिया में लिखी गई है उसका एक एग्जाम्पल कौन सा है। एक सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल, अर्लीस्ट और फेमस एग्जाम्पल वो कौन सा है? बोकैसियोस डीका मीरान। आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट हियर, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर टू आर थ्री सिग्निफिकेंट पॉइंट। दो या तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप नावेला की बात करते हैं तो वह इटालियन वर्ड है। इटालियन में मतलब इटली में लैटिन भाषा बोली जाती है तो वह लैटिन वर्ड है। उसका मतलब क्या होता है? वो नावेल को इंग्लिश में उसी को नावेल कहा जाता है। और जो नावेल है स्पेशली नावेला जो शब्द है उसका मतलब होता है थिंग्स रिसेंटली ऑरिजिनेटेड आर लिटिल न्यू थिंग। इट मींस दैट कि थिंग्स रिसेंटली ऑरिजिनेटेड आर लिटिल न्यू थिंग, ये एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा फ्रेज है जो ये बताता है कि नावेल एज अ लिटरी फॉर्म ओरिजिनेटेड रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में नावेल की उत्पत्ति होती है। उसके पहले वो दूसरी शक्ल में होता है लेकिन एक लिटरी फॉर्म के रूप में पहले आपका पोइट्री, ड्रामा, प्रोस ये सब पहले आया और नावेल बाद में आता है। इसलिए यह एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर द नावेल इन यूरोपियन लैंग्वेजेस रोमन, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेडिवल टर्म रोमांस। इट रिफर्स टू सम सीरियस एंड स्कैंडल्स स्टोरीज। इसका एक एग्जांपल क्या है? बोकैसियोस डीका मीरान। दूसरा शब्द ये बताया गया कि जो नावेल है उसके लिए पूरे यूरोप में जो सबसे पॉपुलर टर्म है वह क्या है? रोमन है। मतलब नावेल के लिए दो तरह का शब्द यूज किया जाता है। एक शब्द तो नावेला यूज किया जाता है जो लैटिन भाषा और इटली से उसका उत्पत्ति हुई। दूसरा शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस के रोमन से लिया गया, वो भी नावेल के लिए। लेकिन यह जो रोमन है यह मेडिवल टर्म रोमांस से आया है या उससे एसोसिएटेड है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्टोरी जो सीरियस होगा, जो स्कैंडल्स जिसमें होगा, जो एडवेंचरस होगा, साथ ही साथ क्या होगा?
एडवेंचरस होगा, सेंसेशन होगा। जैसे हम लोग अगर देखते हैं हातिम ताई की कहानी, अलाउद्दीन का हम लोगों ने देखा है, या इस तरह की तमाम चीजों को देखा जाता था जिसमें एडवेंचर था, सेंसेशन था, रोमांस था। और रोमन में आफिन करके ये दिखाया जाता है कि लव अफेयर बिटवीन अ नाइट एंड फेरी, इस तरह से परियों का लव अफेयर, किसी नाइट का, किसी राजकुमार राजकुमारी का लव अफेयर, एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर जिसमें सेंसेशन भी है, ब्रेवरी भी है, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट है द जर्मन वर्ड नावेली। अब देखिए तीसरा शब्द ये नया वाला है कि जो जर्मन वर्ड है वो नावेली है। नावेली जो है ये जर्मन वर्ड है। द जर्मन वर्ड नावेली आर नावेलीट, दोनों शब्द है नावेली आर नावेलीट। नावेला इटालियन शब्द है, रोमन फ्रेंच शब्द है, जर्मन वर्ड में क्या है नावेली, NOVELE, नावेली आर नावेलीट, NOVELE, द जर्मन वर्ड नावेली आर नावेलीट रिफर्स टू प्रोज फिक्शन। ये किसको रिफर करता, प्रोज फिक्शन को, ऑफ मिडिल लेंथ, प्रोज फिक्शन ऑफ मिडिल लेंथ। जो यहाँ पे वर्ड प्रोज फिक्शन ऑफ मिडिल लेंथ आया है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि नावेलीट जो होगा यह नावेल की तरह होता है, लेकिन नावेल से छोटा और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। मेरी बात को समझिए, जो आपका जर्मन वर्ड है नावेल, नावेली आर नावेलीट, जो वर्ड है जर्मन, ये क्या है आपका नावेली आर नावेलीट, दिस इज द वर्ड कि नावेली आर नावेलीट यहाँ पे, दिस इज द वर्ड नावेली या नावेलीट। यह एक प्रोज फिक्शन है जो मिडिल लेंथ का होता है। मिडिल लेंथ का मतलब ना तो बहुत बड़ा होगा ना बहुत छोटा होगा, किससे बड़ा नहीं होगा, नावेल से बड़ा नहीं होगा और शॉर्ट स्टोरी से छोटा नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अ प्रोज फिक्शन लार्जर देन शॉर्ट स्टोरी, यह एक प्रोज फिक्शन होता है जो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है एंड शॉर्टर देन नावेल, और जो नावेल से छोटा होता है इज कॉल्ड नावेलीट। इसको क्या नाम दिया जाता है, नावेलीट नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल ग्रेसिया, एग्जाम्पल के रूप में जोसेफ कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जोसेफ कॉनरेड्स एक बहुत बड़े नावेलिस्ट है जिनका एक नावेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस। और एक दूसरे नावेलिस्ट है टॉमस मैन, और टॉमस मैन का जो नावेल है उसका नाम है डेथ इन वेनिस। सो जोसेफ कॉनरेड्स का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, टॉमस मैन का जो डेथ इन वेनिस है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नावेलीट। जोसेफ कॉनरेड याद होगा, ये बहुत बड़े मतलब एक बहुत बड़े नावलिस्ट हैं जिनकी नावल में सी लाइफ का जिक्र किया गया है, खासकर अफ्रीकन जो कोस्टल एरिया है वहाँ का वो लेकर के बात करते हैं। दूसरा चीज, जोसेफ कॉनरेड जॉन गाल्स वर्दी के बहुत बोजम फ्रेंडों में से एक थे। सो यू सी हियर या यू फाइंड हियर कि जोसेफ कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, टॉमन मैन्स डेथ इन वेनिस, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स। ये दो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं और ये दोनों नॉवेल किस कैटेगरी में आते हैं, नॉवेला की कैटेगरी में या नॉवेलिट की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इन इमर्जेंस ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की उत्पत्ति में बियोल्फ, BEOWULF, बियोल्फ जो है यह अंग्रेजी का पहला एपिक है। बियोल्फ इज द फर्स्ट इंग्लिश एपिक, बियोल्फ इंग्लिश का पहला एपिक है, फर्स्ट प्राइमरी एपिक इन इंग्लिश मेजर। या तो अगर आप देखिएगा कि जो बियोल्फ है यह पहला प्राइमरी एपिक है इंग्लिश का, इसके आथर का नाम नहीं पता, क्यों नहीं, चूंकि यह किसी एक आदमी ने नहीं लिखा बल्कि यह टीम वर्क रहा है। कब आया हुआ था, एंग्लो सैक्सन पीरियड में आया हुआ था, फर्स्ट प्राइमरी एपिक इन इंग्लिश। एक तो इसका कंट्रीब्यूशन भी नावल की उत्पत्ति में। अब आप कहेंगे बियोल्फ का कंट्रीब्यूशन कैसे है, भाई बियोल्फ का कंट्रीब्यूशन इसलिए है कि कहानी भलवी से पोइट्री में लिखा गया है या वर्ड्स में लिखा गया है, लेकिन उसमें कहानी बताई गई, बड़े किरदार वहां पे जो है कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे।
तो जितना भी नरेशन की शक्ल में था, नरेशन मतलब कहानी जी भी चीजों में बताई गई, चाहे वो बैलेट में बताई गई, चाहे वो एपिक में बताई गई, चाहे वो मॉक एपिक में बताई गई, चाहे वो रोमांस में बताई गई, चाहे वो प्रोज रोमांस में बताई गई, ये जहां पर भी कहानी बताई गई, स्टोरी को जहां नरेट किया गया, बाद में उन्हीं चीजों ने किसको जन्म दिया, नावेल को जन्म दिया। तो नावेल के जन्म देने में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका रहा, बीओल्फ का रहा। बीओल्फ क्या है, इंग्लिश का पहला एपिक है, प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है। दूसरा है मैलोरीज मार्टे डी आर्थर, टॉमस मैलोरी, टॉमस मैलोरी का क्या है, मार्टे डी आर्थर, टॉमस मैलोरीज मार्टे डी आर्थर, यह दूसरा रहा है। सो यू सी हियर कि बीओल्फ है फर्स्ट प्राइमरी एपिक इन इंग्लिश, मैलोरीज मार्टे डी आर्थर, लिलीज यू फ्यूज, जो जॉन लाइली है, जॉन लाइली का वर्क है यू फ्यूज, सिडनीज आर्केडिया, ये सारे वर्क पूछे जा चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल रट लेना है यहाँ पे, और कोई वहां पे चीजें काम नहीं देने वाली है। बियोल्फ इंग्लिश का पहला एपिक है, प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है, मैलोरीज मार्ट डी आर्थर, यह जो है टॉमस मैलोरी का वर्क है मार्ट डी आर्थर, जॉन लाइली का यू फ्यूज, सिडनी का आर्केडिया प्रोज रोमांस है, टॉमस लार्ज का रोजालिन भी प्रोज रोमांस है, जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ, इन सब चीजों ने क्या किया हुआ था, काफी ज्यादा योगदान दिया। किसमें काफी ज्यादा योगदान दिया, काफी ज्यादा योगदान जो है एपिक सॉरी नावेल की उत्पत्ति में इनका योगदान रहा है। इसके अलावा जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ये सब भी काफी कंट्रीब्यूशन, चूंकि इन सब में स्टोरीज रही है, स्टोरीज को नैरेट किया गया, स्टोरीज को बताया गया है, तो ये चौथा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत है, राइटर है, उनके टेक्स्ट है और उन सब चीजों को। तो वेन वी टॉक अबाउट की बियोल्फ है फर्स्ट प्राइमरी एपिक इन इंग्लिश, मैलोरीज मार्टे डी आर्थर है, जॉन लाइलीज यूफ्यूज है, सिडनीज का आर्केडिया है, टॉमस लॉज का रोजालिन है, जॉन बनियान्स का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, ये चीजें रही है। पांचवा पॉइंट है 18th सेंचुरी सरकमस्टांसेस, जो 18वीं शताब्दी की परिस्थितियां हैं वो भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट योगदान करती है। 18th सेंचुरी सरकमस्टांसेस एज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज, जैसा कि प्रोज का डेवलपमेंट, पीरियोडिकल एसे का डेवलपमेंट, काफी हाउस का डेवलपमेंट, मैगजीन का डेवलपमेंट यानी मैगजीन का ओरिजिन, न्यूज़पेपर का, जर्नल्स का, इन लोगों ने भी, या इन चीजों, नॉट इन लोगों ने, इन चीजों का भी अच्छा खासा योगदान रहा नावेल की उत्पत्ति में। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, पहले तो मैंने क्या बताया कि नावेल की उत्पत्ति में कौन कौन से कार्यों का योगदान रहा, वो कार्य पॉइंट नंबर 4 में बताए गए हैं। शुरू में आपको ये बताया गया नावेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इटालियन वर्ड नावेला से हुई है। फिर आपको क्या बताया गया कि फ्रेंच में उसको रोमन शब्द से आया हुआ है, जर्मन में वो नावेलीट या आप कह सकते हैं कि नावेली शब्द से आया हुआ है। फिर आपको ये बताया गया कि जो नावेलीट या नावेलिटी होता है, यह नावेल से छोटा, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। इसका एक उदाहरण हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराड का, टॉमस मैन का डेथ इन वेनिस है। फिर आपको ये बताया गया कि नावेल की उत्पत्ति में कौन कौन से पॉइंट है, बियोल्फ आपको मैंने बताया, प्राइमरी एपिक इन इंग्लिश है, मेलोरीज मार्टे डी आर्थर है, जॉन लाइलीज का यूफ्यूज है, सिडनीज के आर्केडिया प्रोज रोमांस है, टॉमस लार्ज का रोसालिन प्रोज रोमांस है, जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, और फिर जो है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेंड है। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि जो बियोल्फ है वो तो आपको पता है, लेकिन जो आपका टॉमस लार्ज का रोजालिन है, क्या इसका शेक्सपियर की एज यू लाइक इट से कोई लेना देना है? जितने लोग यहाँ पे, कैन यू गिव मी आंसर? क्या शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से जॉन टॉमस लार्ज के रोजालिन का कोई लेना देना है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो कितनी बार आ चुका है, फिर भी आप लोग नहीं जवाब दे पा रहे हैं। यस सर, आपको क्या क्या योगदान रहा है? करेक्टर का रोल,
एज यू लाइक इट का जो सोर्स है वो टॉमस लॉज का रोजालिंड है। बात अगर आप ये कहेंगे कैरेक्टर, तो कैरेक्टर सही आंसर नहीं है, जो अल्टीमेट सोर्स है एज यू लाइक इट का वो टॉमस लॉज का रोजालिंड है। जी सर। जॉन बनियान का पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस यू सी, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है 18th century। अब आपको ध्यान में रखना है, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नावल की उत्पत्ति कब हुई है, 18वीं शताब्दी में हुई है, इसीलिए 18वीं शताब्दी को क्या कहा गया, प्रोज एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अब हम लोग 5वें पॉइंट पर हैं। 18th century सरकमस्टांसेस, 18वीं शताब्दी की जो परिस्थितियां थी, जैसे डेवलपमेंट ऑफ प्रोज, प्रोज का डेवलपमेंट होना, पीरियोडिकल एसे का आना, कॉफी हाउस का आना, मैगजीन्स का आना, न्यूज़पेपर्स का आना, जर्नल्स का आना, इन सब चीजों ने बहुत कुछ हेल्प किया किसके डेवलपमेंट में, इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल। जो 18वीं शताब्दी है उस 18वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। 18वीं सेंचुरी को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये टाइटल किसने दिया है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने, एम से मैथ्यू, ए से अर्नाल्ड। 18वीं शताब्दी में नावेल की उत्पत्ति होती है, फोर व्हील्स ऑफ द नावेल आते हैं। फोर व्हील्स ऑफ द नावेल का मतलब ये होता है कि नावेल के चार बड़े पिलर, नावेल के चार बड़े राइटर, जिसमें से एक नाम है हेनरी फील्डिंग, एक नाम है जोसेफ सॉरी एक सैमुअल रिचर्डसन, तीसरा नाम है टॉबियस स्मॉलेट और हेनरी फील्डिंग, और हेनरी फील्डिंग के अलावा सैमुअल रिचर्डसन, टॉबियस स्मॉलेट, लॉरेंस ईस्टन, ये चार बड़े नावलिस्ट 18वीं शताब्दी में आते हैं। मैं ये सारे सर्किल हटा दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, उसमें हॉच पॉच हो गए। उसमें आप देख रहे हैं कि काफी हॉच पॉच हो गया है। एंड यू सी हियर कि फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया, फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। जो फिफ्थ पॉइंट में बात कही गई थी वही सिक्स्थ पॉइंट में है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 4 क्लियर, पॉइंट नंबर 5 क्लियर, पॉइंट नंबर 6 भी क्लियर कि मैथ्यू अर्नाल्ड कॉल्ड 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। पॉइंट नंबर 7 है, इन 18th सेंचुरी सम वेल नोन जर्नल्स एज द आइडलर, द रैम्बलर, 18वीं शताब्दी में कुछ बड़े जर्नल आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द आइडलर एंड द रैम्बलर, ये दोनों जर्नल किसका, कल अभी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द आइडलर एंड द रैम्बलर आर द टू फेमस जर्नल्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये उनका फेमस जर्नल है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 18वीं शताब्दी में दो बड़े जर्नल आए हैं और ये दोनों बड़े जर्नल किसके हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के हैं। सो यू फाइंड कि 18th century सम वेल नोन जर्नल्स एज द आइडलर, द रैम्बलर, द स्पेक्टेटर एंड द टाइटलर पब्लिश्ड। फिर उसके बाद है 8वां पॉइंट, हाँ एक और चीज यहाँ डिस्कस करेंगे, द स्पेक्टेटर एंड द टाइटलर, ये दोनों जर्नल किसका था, स्पेक्टेटर और टाइटलर, द स्पेक्टेटर और द टाइटलर जर्नल किसका था, व्हाई आर यू मिसिंग, आप सबको बताया गया है द स्पेक्टेटर द टाइटलर जोसेफ एडिशन का जर्नल था, टीजीटी में पूछा जा चुका है, द स्पेक्टेटर एंड द टाइटलर दोनों लोगों ने मिल करके निकाला था, जोसेफ एडिशन, ADDISON, और कौन थे उनके साथ, एंड रिचर्ड स्टील, एंड रिचर्ड RICHARD, रिचर्ड एस स्टील। तो जो आपका द स्पेक्टेटर एंड द टाइटलर है यह जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील का जर्नल है, और जो आपका द रैम्बलर है और जो आइडलर है ये किसका जर्नल है, ये जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जर्नल था, ये नाम पता होना चाहिए। 9वां पॉइंट है, फोर व्हील्स ऑफ द नावेल केम इन 18th century, 18वीं शताब्दी में जो है चार बड़े राइटर नावेल के आते हैं जिनको फोर व्हील्स ऑफ द नावेल कहा जाता है,
और इन चारों राइटर के नाम है हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचार्डसन, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न। ये रट लीजिएगा कि फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल में कौन कौन आते हैं। अब ऐसा नहीं कि यही बात बार बार बताई जाए, बार बार मिस हो जाए। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट राइटर्स हु कम अंडर द टाइटल फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल, जिसमें से एक नाम है हेनरी फील्डिंग, दूसरा नाम है सैमुअल रिचार्डसन, तीसरा नाम है टोबियस स्मॉलेट और चौथा नाम है लॉरेंस स्टर्न। दीज आर द फोर नेम्स। तो यू फाइंड की पॉइंट नंबर 9, यू फाइंड की पॉइंट नंबर 10। तो ये, और इसमें भी मैं बता दूं कि जो हेनरी फील्डिंग है उन्होंने अपने नावेल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा। उनका एक नावेल है जिसका नाम है जोसेफ एंड्रयूज, उन्होंने उसको कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा। सैमुअल रिचार्डसन का एक नावेल था जिसका नाम था पामेला, और वो एपिस्टेलरी नावेल है। एपिस्टेलरी नावेल एक तरह का नावेल होता है जिसमें लेटर का आदान प्रदान होता है जो है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि हेनरी फील्डिंग क्यों फेमस है, सैमुअल रिचार्डसन क्यों फेमस है। दीज सिक्स यू हैव टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर 10 है हेनरी फील्डिंग इज नोन एज फादर ऑफ द नॉवेल। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ द नॉवेल के नाम से जाना जाता है। ही रोड जोसेफ एंड्रयूज, उन्होंने जो नावेल लिखा उसका नाम जोसेफ एंड्रयूज है। पैरोडी ऑफ पामेला, जो पामेला का पैरोडी है। ही कॉल्ड हिज नावेल कॉमिक एपिक इन प्रोज। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्होंने अपने नावेल को जो नाम दिया उसका क्या नाम है? कॉमिक एपिक इन प्रोज। ही कॉल्ड हिज नावेल कॉमिक एपिक इन प्रोज। उन्होंने अपने नावेल को क्या नाम दिया? कॉमिक एपिक इन प्रोज। और उनको और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द नॉवेल कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। उन्होंने लिखा क्या? जोसेफ एंड्रयूज लिखा, जो जो पैरोडी है। पॉइंट नंबर 11 है पिकारेस्क नॉवेल इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल। जैसे नॉवेल के कई फॉर्म होते हैं, उन कई फॉर्म में से एक फॉर्म आपका कौन सा है? पिकारेस्क नॉवेल। जो पिकारेस्क नॉवेल है क्या है? पिकारेस्क नॉवेल इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल। यह नॉवेल का अर्लीस्ट फॉर्म है। पिकारेस्क नॉवेल इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल। द वर्ड पिकारेस्क के, जो वर्ड पिकारेस्क का, यह स्पेनिश वर्ड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो नॉवेल है, सबसे पहला जो नॉवेल आया, जो नॉवेल लिखने की कला शुरू हुई है, वह किस फॉर्म में था? पिकारेस्क फॉर्म था। जो पिकारेस्क वर्ड है ये कहाँ से आया? स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है। कहाँ से आया? स्पेनिश वर्ड पिकारो। विच मीन्स रोग, ROGUE, रोग और नेम। इसका मतलब क्या होता है? रोग या नेम होता है। तो यू सी आर यू फाइंड हियर पिकारेस्क नॉवेल इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल। जो पिकारेस्क नॉवेल है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल है। द वर्ड पिकारेस्क के, जो वर्ड पिकारेस्क है, यह स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया। कहाँ से आया? स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया। इसका मतलब क्या होता है? रोग आर नेम, ROGUE, रोग आर नेम, KNAVE। व्हाट डू यू मीन बाय रोग आर नेम? सर विकेट, व्हाट डू यू मीन बाय रोग, रोग आर नेम? सर विकेट, विकेट। रोग या नेम उस कैरेक्टर को कहा जाता है जो वैंडरर होता है, जो जो है क्या करता है कि बंजारे जैसी जिंदगी व्यतीत करता है, जो एमलेसली मूव हाइदर एंड डाइदर, जो यहाँ वहाँ उद्देश्य विहीन होकर के घूमता रहता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको रोग या नेम कहा जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि सबसे अर्लीस्ट फॉर्म जो नावेल का है वह पिकारेस्क नावेल है। यह वर्ड स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? रोग और देव। नेक्स्ट है कि दो, हाँ, और इसका भी जो आपको एग्जाम्पल बता दूं कि अगर आपको याद होगा, एक पिकारेस्क नावल का एक एग्जाम्पल है लाइफ ऑफ जैक विल्टन करके। लाइफ ऑफ जैक विल्टन, जस्ट आई एम मिसिंग उसका एक और नाम है, परहैप्स दैट इज द वर्क ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, लाइफ सर सर ऑफ जैक अनफॉर्चुनेट विल्टन, ट्रेवलर। तो उसमें वो उसका एक एग्जाम्पल है।
फिर है दूसरा पॉइंट की डोमेस्टिक टॉवल. डोमेस्टिक टॉवल हैज द थीम द कंपैरिजन बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस. डोमेस्टिक टॉवल की सबसे बड़ी राइटर जेन ऑस्टिन है. ये चीज आप नोट कर लीजिएगा. डोमेस्टिक नॉवेल की सबसे बड़ी राइटर जेन ऑस्टिन. जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नॉवेल की सबसे बड़ी राइटर है और जेन ऑस्टिन ने डोमेस्टिक नॉवेल लिखा जिसका एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, नॉर्थेंजर अबे और उसके अलावा जो है उनका 6 नॉवेल है. प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एमा है और नॉर्थेंजर अबे, मैंसफील्ड पार्क, दो मैं मिस कर रहा हूँ, वो सब उनके नॉवेल्स है. तो डोमेस्टिक नॉवेल की बड़ी राइटर में से कौन है? जेन ऑस्टिन. और डोमेस्टिक नॉवेल में घरेलू मुद्दों को लेकर के बात की जाती है, तो परिवारों के बीच का मिलन, उनकी कहानियां, उनके रिलेशन, उनकी मैरिज सेरेमनी, मतलब कुछ भी जो डोमेस्टिक इशूज होते हैं उसको लेकर के द वर्ड पिक. उसके बाद उसे क्या बताएंगे कि इसमें जो थीम होता है क्या होता है, कंपेरिजन बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस. जेन ऑस्टिन इज अ वेल नोन डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट. वो जो है डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टिन एक बड़ी डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट रही है. तो यू सी हियर कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डोमेस्टिक नॉवेल. उसके पहले कौन सा? पिकरेस्क नॉवेल. उसके पहले का कॉन्सेप्ट फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल. फिर नया नाम आता है वाल्टर स्कॉट. यहाँ पे WALTER होना चाहिए था. वाल्टर स्कॉट इज अ वेल नोन हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट के बड़े राइटर का नाम. तो जो बड़े राइटर है वो कौन है? वाल्टर स्कॉट. और ये जो राइटर है वाल्टर स्कॉट जो बड़े नॉवेलिस्ट है, इनका वर्क है तलिस्मा. तलिस्मा के अलावा इनका वर्क है ईवान हो. कई ऐसे इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल आपको देखने को मिलेंगे. तलिस्मा है, ईवान हो है, मतलब यू कैन जस्ट सी की. तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि बड़ा हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट वाल्टर स्कॉट, बड़ी डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट जेन ऑस्टिन, बड़े पिकारेस के नॉवेलिस्ट सैमुअल रिचार्डसन, नॉट सैमुअल रिचार्डसन, जो पिकारेस नॉवेलिस्ट है उस उनका जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल जो है जो आया हुआ था उसका मुझे सब एक्चुअल सब टाइटल लाइफ ऑफ जैक विल्टर याद आ रहा है बस. उसके बाद पॉइंट नंबर 14 है थॉमस हार्डी इज अ वेल नोन रीजनल नॉवेलिस्ट. ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है. रीजनल नॉवेलिस्ट के सबसे बड़े राइटर कौन है? थॉमस हार्डी है. और उनकी नॉवेल का सेटिंग कहाँ पर है? वेसेक्स में. PGT 2009 या 11 वाले पूछा जा चुका है कि उनके नॉवेल का सेटिंग कहाँ पर है. तो थॉमस हार्डी इज अ वेल नोन रीजनल नॉवेलिस्ट. वेसेक्स इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर हिज नॉवेल इज लोकेटेड. उनके नॉवेल के जो लोकेशन है, जो सेटिंग है, जिस जगह पे वो चीज हुआ है वो कौन सा? वेसेक्स है. तो यू फाइंड हियर हार्डी. थॉमस हार्डी इज अ वेल नोन रीजनल नॉवेलिस्ट. वेसेक्स इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर हिज नॉवेल इज लोकेटेड. पॉइंट नंबर 15 है जॉर्ज इलियट एंड चार्ल्स डिकेंस कम इन द कैटेगरी ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल. एक और तरह का नॉवेल होता है रियलिस्टिक नॉवेल. और इस रियलिस्टिक नॉवेल की कैटेगरी में कौन आ रहा है? जॉर्ज इलियट एंड चार्ल्स डिकेंस. हु कम? जॉर्ज इलियट एंड चार्ल्स डिकेंस कम इन द कैटेगरी ऑफ रियलिस्टिक नॉवेल. मेरी बात सब समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि मैं केवल बोल ही रहा हूँ. कैन यू रिस्पॉन्ड मी सर? आ रहा है, समझ आ रहा है. आवाज मेरी नहीं जा रही क्या? आ रही है सर. अच्छा ठीक है, ओके. अगर आवाज जा रही तो ठीक है. नेक्स्ट है हेनरी जेम्स जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वोल्फ कम्स. यहाँ पे कॉमेडियन हो गया. कम्स इन द कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट. ये चीज 16 पॉइंट ध्यान में रखना है. साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट भी एक तरह का नॉवेल है. डिटेक्टिव नॉवेल भी एक तरह का नॉवेल है. साइंस फिक्शन भी एक तरह का नॉवेल है. और इसके अलावा बुर्जवा एपिक भी एक तरह का नॉवेल है. सिल्वा फॉक नॉवेल भी एक तरह का नॉवेल है. कैंपस नॉवेल भी एक तरह का नॉवेल है.
तो अभी जो बात हो रही, किसकी बात हुई है? एक तो रियलिस्टिक नॉवेल की यहाँ पे बात हुई है, रीजनल नॉवेल की बात हुई है, डोमेस्टिक की बात हुई है, पिकरेस की बात हुई है, और अब साइकोलॉजिकल नॉवेल, जिसमें कहा गया हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वूल्फ को कम्स इन द कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट। पॉइंट नंबर 17 है, ई एम फास्टर रोड अ पैसेज टू इंडिया। ई एम फास्टर बड़े नॉवलिस्ट है मॉडर्न एज के, उन्होंने क्या लिखा, अ पैसेज टू इंडिया नाम का किताब लिखा, और माउरिस नाम का किताब लिखा। माउरिस में होमोसेक्सुअलिटी है और पैसेज टू इंडिया में कोलोनियल मेंटेलिटी है। जॉर्ज आरवेल रोट एनिमल फार्म इन 1984। जॉर्ज आरवेल भी बड़े नॉवलिस्ट है जिनका नॉवल का नाम है एनिमल फार्म इन 1984। डीएच लॉरेंस रोट, डीएच लॉरेंस ने लिखा लेडी चैटरलीज लवर, उन्होंने लिखा वीमेन इन वुमेन इन लव, उन्होंने लिखा सन्स एंड लवर्स, लिखा रेनबो, उन्होंने लिखा हिज नॉवेल्स डील विद द थीम द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन। आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन पॉइंट की इधर दो तीन क्वेश्चन या राइटर के नाम दिए गए जो बहुत फेमस है, जैसे एक है रोट अ पैसेज टू इंडिया, सर वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस। किसको वॉइस आ रही है सर की? नहीं वॉइस इज नॉट कमिंग सर। आवाज मेरी जा रही है? हेलो, यस राइट, यस राइट, नाउ वी आर गेटिंग ओके, दैट्स गुड। सो आई वाज टेलिंग यू कि ईएम फॉस्टर रोट अ पैसेज टू इंडिया, जो बहुत ही फेमस नॉवेल है जो 1924 में आया है, और माउरिस उनका नॉवेल है जो होमोसेक्सुअलिटी पर है, और जो अ पैसेज टू इंडिया है 1924 में आया, इसमें जो है कॉलोनियल मेंटेलिटी है। जॉर्ज ऑरवेल बड़े नॉवलिस्ट है जो इरिक ब्लेयर के नाम से उनका निक नेम हुआ करता था, वो लिखते थे, और उनका एक नावल है 1984, ये बहुत 1984 ये एक नावल का टाइटल है, ये मैंने डेट वाइज डाल दिया है, और वो जो है उसमें अल्फाबेटिकल में उसका टाइटल है, तो अगर कभी आता 1984 तो ये नहीं है, बल्कि उसका नाम 1984 है और ये नावल का नाम है एनिमल फार्म। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल हैव रेड। डी एच लॉरेंस रोट लेडी चैटरलीज लवर, डी एच लॉरेंस का नावल है जिसमें जो है उनका रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, लेडी चैटरलीज लवर उनका नावल है, वुमेन इन लव उनका नावल है, सन्स एंड लवर्स उनका नावल है, रेनबो है, हिज नावल्स डील विद द थीम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नावल में जो है थीम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, आवाज अब जा रही है। हेलो, यस सर, यस सर, अभी आ रही है। ठीक है, तो उनका नावल रहा है हेनरी जेम्स रोड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हेनरी जेम्स मॉडर्न एज के राइटर, उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लिखा, जेम्स जॉयस ने यूलिसिस लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ ने टू द लाइट हाउस, ये सब नावल का नाम है जो आपको रटना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा।
उसके बाद है क्रिटिक्स ऑन द नावल है, ई एम फास्टर रोट अ बुक ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, ई एम फास्टर ने एक किताब लिखा एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल जो 1927 में आई है। इस किताब से कई क्वेश्चन है, एक तो यही एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल किसने लिखा, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर ने लिखा, ये क्रिटिकल बुक है जो 1927 में आई है। इसमें नावल के 7 एस्पेक्ट में बात की गई, स्टोरी पर, पीपल पर, प्लॉट पर, प्रोफेसी, फैंटेसी, पैटर्न, रिदम। अगर आपको याद होगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर, सिंपल से यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फ्लैट और राउंड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ई एम फास्टर ने दिया। किस किताब में, आपका एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल कब आई है, 1927 में आई है। कितने एस्पेक्ट है, 7 एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है हेनरी जेम्स, जो हेनरी जेम्स है फादर फिगर ऑफ फिक्शन, जो फिक्शन के फादर फिगर है, कॉल द नावल मिलियन विंडोज, इन्होंने नावल को मिलियन विंडोज का, अभी मैंने पहले वाले अपने लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, किसने नावल को मिलियन विंडोज कहा, हेनरी जेम्स ने कहा, जो अमेरिकन अमेरिका के थे लेकिन ब्रिटेन में उन्होंने नागरिकता ले ली थी। पर्सी लबॉक रोट अ बुक आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, पर्सी लबॉक ने आर्ट और क्राफ्ट ऑफ फिक्शन नाम से एक बुक लिखा था। वेसी बूथ रोट रेट्रिक ऑफ फिक्शन, ये भी पूछा जा चुका है पीजीटी में, रेट्रिक ऑफ फिक्शन 1961 किसने लिखा, वेसी बूथ ने लिखा। उनकी एक और किताब है द कंपनी वी कीप, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामेटाइज्ड और अनड्रामेटाइज्ड नैरेटर। जॉर्ज मेरेडिथ कॉल द नावल एक्चुअल समरी ऑफ लाइफ, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसने नावल को जो है एक्चुअल समरी ऑफ लाइफ कहा है, जॉर्ज मेरेडिथ ने कहा है। आठवां वाला 2 बार पूछा जा चुका है, एफ मेरियन क्रॉफोर्ड, जो एफ मेरियन क्रॉफोर्ड अमेरिकन क्रिटिक है, इन्होंने नावल को पॉकेट थिएटर कहा, क्या कहा, पॉकेट थिएटर कहा। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका किसने नावल को पॉकेट थिएटर कहा, एफ मेरियन क्रॉफोर्ड। किसने इसको एक्चुअल समरी ऑफ लाइफ कहा, जॉर्ज मेरेडिथ। डब्ल्यू एच हडसन ने कहा एनी वन कैन राइट नावल, कोई भी आदमी नावल लिख सकता हुआ, पेंस, इंक, पेपर, जिनके पास पेन है, इंक है, पेपर है, और उनके पास समय है, फुर्सत है, 50,000 से ज्यादा वो कैब है, वो आदमी नावल लिख सकता है। ये बात किसने कही, डब्ल्यू एच हडसन ने कही। हेनरी फील्डिंग कॉल्ड हिज नावल कॉमिक एपिक इन प्रोज, हेनरी फील्डिंग ने अपने नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा। अगला हेडिंग फोर व्हील्स ऑफ द नावल को लेकर के था, फोर व्हील्स ऑफ द नावल में कौन कौन आते वो हम बाद में बात करेंगे। आज हमने ओरिजिन ऑफ द नावल, नावल के ऊपर जो क्रिटिक्स है, टाइप्स ऑफ द नावल, उसका आज मैं पॉइंट वाइज लेकर के आया था, तो ये सब चीजें मैंने बात किया है। मुझे भी थोड़ा सा कहीं जाना है, तो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पैशनेटली, यू कैन गिव योर फीडबैक। ओके।